मराठावाड़ का ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी वाला है। यहां का ब्लैक कॉटन, सोयाबीन, ज्वार बाजरा आपकी कमाई का बड़ा साधन है, लेकिन इस उपज को लेकर कांग्रेस और इंडी अघाड़ी वालों ने कभी आपकी परेशानी नहीं समझी। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है सिंचाई की। एनडीए की पिछली सरकार में जहां जलयुक्त शिवार योजना शुरू हुई थी, मराठवाड़ वोटर ग्रिड योजना शुरू हुई थी, लेकिन इंडी अघाड़ी वालों को आपसे इतनी दुश्मनी है, इतनी दुश्मनी है कि इन दोनों योजनाओं को रोक दिया। अब भाई एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी की टीम इस क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करवा रही है। परभणी के सेलू तालुका में लोअर दूधना प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। साथियों, यहां के किसानों की एक बड़ी चुनौती मौसम की मार भी रही है। पहले की सरकारों के समय किसानों को फसल बीमा की रकम मिलना असंभव था, लेकिन एनडीए सरकार ने सिर्फ एक जिले परभणी में ही किसानों को फसल बीमा के 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारी सरकार जो ऑयल सीड मिशन शुरू करने जा रही है, उससे यहां सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा। परभणी अब देश के खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। परभणी के लाखों किसानों को भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के 850 करोड़ रुपए भी दिए हैं, और जो राज्य सरकार दे रही है वो अलग। अमरावती में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क का भी यहां के कॉटन उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होगा। साथियों, मोटे अनाज श्री अन्न को पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार बड़े पैमाने पर श्री अन्न को बढ़ावा दे रही है। सुपर फूड है, हम दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आपके यहां का ज्वार बाजरा केवल महाराष्ट्र और देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पौष्टिक लाभ देगा।